ओके तो सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग आज लिंकेज ओवर और मैप डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसका ऑडियो अगर पीछे क्राउड तो वो अपना म्यूट कर ले और नहीं ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्राउड नहीं है प्लेस पे दिक्कत नहीं है। ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आवाज किसी के में आ रही थोड़ा देखिए सर। गीता श्रीवास्तव जो है उनके यहाँ से आवाज आ रही है। प्लीज गीता मैं हूँ। माइक म्यूट कर दो। ठीक है तो लिंकेज पूछते हैं। मेंडल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले। तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो जीन है दे आर मोर देन टू या मोर देन वन, दे इनहेरिट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि अगर दो जीन है तो एक जीन दूसरे जीन के करेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अपने करेक्टर को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। दैट मीन्स इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। While linkage, the genes are present on same chromosome. अगर दो जीन है या दो से ज्यादा जीन है तो वो सेम क्रोमोसोम पे है और इनहेरिट हो रहे हैं एक साथ, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। तो इसको कहेंगे लिंकेज। लिंकेज ऑलवेज seen in linked genes, यानी वो जीन्स जो कि एक दूसरे के साथ होंगे या सेम क्रोमोसोम पर होंगे बट डिफरेंट लोकाई पे होंगे। तो ऐसे जीन विच आर प्रेजेंट क्लोज टूगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम कॉल्ड लिंक्ड जीन एंड बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप। यानी कि अगर क्रोमोसोम वन है और उसमें ए बी सी ये जीन है तो ये एक सिंगल लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। उसी तरीके से क्रोमोसोम टू है, उसके पास कोई एक्स वाई जेड ये जीन है तो ये लिंक्ड जीन्स हुए उनके एक्स वाई जेड, बट द ग्रुप इज डिफरेंट। यानी कि ए बी सी एक अलग ग्रुप है और एक्स वाई जेड एक अलग ग्रुप है। ओके तो लिंकेज का मतलब ये है कि जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स आर लिंक्ड जीन्स हैव सेम लिंकेज ग्रुप एंड जीन्स इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके और जबकि ऐसा मेंडल के कॉन्सेप्ट में नहीं था। मेंडल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, यानी एवरी जीन हैव इंडिपेंडेंस। एक जीन दूसरे जीन के करेक्टर को इंटरफेयर नहीं करेगा। दोनों जीन या दो से ज्यादा जीन जो भी हो, ट्राई हाइब्रिड है तो थ्री जीन्स,
दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द लिंकेज, तो लिंकेज ग्रुप दैट इज ए बी, दिस इज अ जीन, वो जीन है ए एंड बी, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ए बी अगर एक वन फ्रॉम फादर, इसको उससे चेक पेन से देख लेते हैं, दिस इज, मान लिया कि एक सिंग फादर से मिला और एक ये हमें मदर से मिला, तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है एंड जीन कौन कौन है, ए एंड बी जीन, बट दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो इफ दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम तो दे आर लिंक्ड जीन्स। अगर ये सेम क्रोमोसोम पे है तो ये क्या होंगे, लिंक्ड जीन्स होंगे। और इन अगर इनको कंपेयर करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, तो ए प्रेजेंट ऑन डिफरेंट जीन एंड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट जीन, तो बोथ द जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, हियर बोथ द जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज। Now, अब जो लिंक्ड जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम पे अगर वो हेट्रोजाइगस पोजीशन में है तो दे मे बी सीन इन कपलिंग फॉर्म और मे बी इन रिपल्शन फॉर्म। हेट्रोजाइगस जीन जो है वो कपलिंग फॉर्म में हो सकते हैं या रिपल्शन फॉर्म में हो सकते हैं। अब ये समझते हैं कि कपलिंग फॉर्म और रिपल्शन फॉर्म क्या होता है। कपलिंग फॉर्म का मतलब सिस कहलाता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल कंडीशन है, वाइल जो ट्रांस है इट इज ड्यू टू म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन। सिस फॉर्म में हेट्रोजाइगस हो सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म में हो सकते हैं। बेटसन एंड पुनेट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने सिस और ट्रांस को कैसे इन्फर किया था, उन्होंने इसको कपलिंग एंड रिपल्शन में इन्फर किया था। क्यों कपलिंग और रिपल्शन में, कपलिंग का मतलब कि अगर वो वाइल्ड टाइप है तो वो नॉर्मल कंडीशन में शो होंगे, यानी कि साथ में पेयर होना पसंद करेंगे, तो इसलिए इसको कपलिंग कहा। और अगर वो म्यूटेट हो रहे हैं, यानी कि क्रॉसिंग ओवर से उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो ट्रांसफॉर्म में रहना पसंद करेंगे, तो उसको उन्होंने कहा रिपल्शन फॉर्म। कपलिंग मतलब ओरिजिनल फॉर्म और रिपल्शन मतलब कि जो कि रिकॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये दो तरीके से लिंक्ड जीन रह सकते हैं, लेकिन आप इनको पहचान कैसे सकते हैं कि ये कौन इसमें रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो वो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि कौन सिस पोजीशन पे है कौन ट्रांस पे है, लेकिन हम इतना इजिली इसको जो है पहचान नहीं पाएंगे अभी इसको, जब तक हमें इसका पूरा डेटा नहीं मिलेगा। तो पूरा डेटा कैसे मिलेगा वो हम जब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो पोजीशन हो गई कि सिस पोजीशन में रह सकते हैं हेट्रोजाइगस लिंक्ड जीन और ट्रांस पोजीशन। नेक्स्ट चलते हैं लिंकेज के टाइप्स। तो दो टाइप से लिंकेज हो सकता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज।
कंप्लीट लिंकेज मींस इफ द जीन्स आर क्लोज टुगेदर, अगर वो एक दूसरे से बहुत क्लोज है तो दे इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन, तो वो हमेशा जो है एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस इन ऑफस्प्रिंग आल्सो एंड न्यू कॉम्बिनेशन आर नॉट प्रोड्यूस इन ऑफस्प्रिंग, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर इज नॉट पॉसिबल, व्हाइल इन इनकंप्लीट लिंकेज देयर इज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स मे बी फार अपार्ट, दोनों के जो लिंक्ड जीन्स है अगर दे आर क्लोजली टुगेदर, अगर दोनों एक साथ बिल्कुल क्लोज है, उनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो वो कंप्लीट लिंकेज शो करेंगे, दैट मीन्स कि क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं होगा, और इफ दे आर फार अपार्ट, अगर वो एक दूसरे से दूर है, तो दे प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज पेरेंटल कॉम्बिनेंट, तो इफ दे प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन 50% एंड 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दैट इज इनकम्प्लीट लिंकेज, लिंकेज तो है क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बट न्यू कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं, इसलिए उसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। अब इसको कैसे देखते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट में देखिए, कंप्लीट लिंकेज ए वाला देखिए, सेक्शन ए इज जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, यानी कि एम डी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसमें कैपिटल एम और डी वाइल्ड टाइप है और स्मॉल एम एंड डी जो है ये म्यूटेटेड टाइप है, तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन में, यानी कि एम एम और डी डी, जब इनका टेस्ट क्रॉस कराया जाता है स्मॉल एम एम एंड स्मॉल डी डी, तो जो एफ वन जनरेशन में नेक्स्ट जितने भी मिलेंगे दे आर ऑल आर पैरेंटल टाइप, यानी कि आपको हेट्रोजाइगस सेम टाइप के मिलेंगे, यानी कि जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखिए कैपिटल एम डी से सिंगल एम डी गैमेट मिला, फिर स्मॉल एम डी से सिंगल एम डी मिला, देखिए आप इसको इस तरीके से समझते हैं, ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एम एंड कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, इसको रेसेसिव होमोजाइगस से कराया, यानी कि स्मॉल एम और स्मॉल डी इनसे क्रॉस कराया, तो इनसे एक ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, यानी कि एम डी, ठीक है, स्मॉल, और इनसे जो है हमें दो टाइप के गैमेट मिलेंगे, एक कैपिटल एम डी और दूसरे स्मॉल एम एंड डी, ओके, तो फिर जब ये आपस में नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ एक बार पेयर होगा और फिर ये इसके साथ एक बार पेयर होगा, यानी कि दो टाइप के हमें इंडिविजुअल मिलेंगे, यानी 50% हमें कैपिटल एम डी ये वाला पेरेंटल टाइप मिला और 50% हमें स्मॉल एम डी के पेरेंटल टाइप मिले, यानी कि हमें सारे पेरेंटल टाइप ही नेक्स्ट जनरेशन में मिल रहे हैं, कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट नहीं मिल रहा, तो इसको कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। अब देख लेते हैं इनकंप्लीट लिंकेज में क्या होता है,
अब ये देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल, जो कैपिटल आर और कैपिटल एल ये रेड एंड लॉन्ग है, ये वाइल्ड टाइप है और ये म्यूटेटेड टाइप है या रिकॉम्बिनेंट टाइप है, स्मॉल आर और स्मॉल एल। जब इनसे क्रॉस कराया गया तो एफ वन जनरेशन में रेड लॉन्ग मिले अकॉर्डिंग टू मेंडल, एफ वन जनरेशन में ओनली डोमिनेंट टाइप मिलेंगे। तो रेड लॉन्ग जो आए एफ वन जनरेशन में, इनको जब क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो इनसे सबसे पहले गैमेट प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल आर एल स्मॉल आर एल, यहां इनसे जो गैमेट प्रोड्यूस हुए। देखिए तो रेड और लॉन्ग है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब रेड लॉन्ग और ये जो म्यूटेटेड टाइप है स्मॉल आर और स्मॉल एल, ओके, जब क्रॉस करते हैं तो एफ वन जनरेशन में रेड लॉन्ग मिलते हैं। रेड लॉन्ग से जब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं तो गैमेट दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक तो विदाउट क्रॉसिंग ओवर और एक विद क्रॉसिंग ओवर। तो विदाउट क्रॉसिंग ओवर से जो प्रोड्यूस होंगे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम होंगे, और जो क्रॉसिंग ओवर से प्रोड्यूस होंगे वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम होंगे या रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स होंगे। तो गैमेट चार तरीके के मिलेंगे, एक पेरेंट, दो जो है ये 50% पेरेंटल टाइप, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप जो कि क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस। तो इफ crossing over takes place, then linkage to incomplete linkage. अगर crossing over नहीं हो रही है तब तो क्या है, complete linkage, और अगर crossing over हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा, incomplete linkage. अच्छा, crossing over होने की possibilities क्या है वो हम जब भी crossing over अभी पढ़ेंगे तो समझेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में डिफरेंस क्या है। तो कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक्स प्लेस, व्हाइल इनकम्प्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। कंप्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसलिए सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं आगे के ऑफस्प्रिंग में, while incomplete linkage में 50% new combination यानी कि recombinant मिलते हैं और 50% parental combination मिलते हैं, क्योंकि crossing over होने से new combination generate हो जाते हैं। Next आते हैं, ओके, तो बेटसन एंड पुनेट ने क्रॉस कराया था रेड एंड लॉन्ग पॉलन में, तो उनको जो रिजल्ट मिले थे, उनको रिजल्ट मिले थे कि आउट ऑफ 1000 प्रोजेनी 920 रिजेंबल वन और द अदर ऑफ द पेरेंटल स्ट्रेन, यानी कि उनको 920 पेरेंटल स्ट्रेन मिले थे और रिमेनिंग यानी 80 रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन मिले थे। तो जो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन मिले थे उससे क्या कर सकते हैं, उनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, यानी कि 0.08 या आप इसको कह सकते हैं 8% जो प्रोजेनी थे दे आर रिकॉम्बिनेंट, while all others are, या ये भी कह सकते हैं कि 8 मैप यूनिट डिस्टेंस थी बिटवीन रेड और लॉन्ग की,
ठीक है, इसको खैर अभी डिटेल में हम जब हम मैप यूनिट समझेंगे तब समझेंगे। खैर अभी ये समझते हैं कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लेस देन 50%, ये आप अपने कॉन्सेप्ट में याद कर लीजिए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा 50% से कम होगी, इट इज लेस देन 50%। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में सेम वही आगे का बताया है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन मिले थे। तो कॉम्बिनेशन ये मिले थे रेड लॉन्ग व्हाइट शॉर्ट, तो रेड लॉन्ग के 450 नंबर्स, व्हाइट शॉर्ट के 470, तो टोटल 920 पेरेंटल टाइप मिले थे। फिर रेड शॉर्ट जो है वो 42 मिले थे और व्हाइट लॉन्ग वो 38 मिले थे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट टाइप 80 मिले थे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज 0.08। ओके, तो ये तो हो गया लिंकेज इनकम्प्लीट कम्प्लीट। बट द इनकम्प्लीट लिंकेज क्यों हो रहा है? बिकॉज न्यू कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं, और ये जो रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं ये मिल कैसे रहे हैं? इट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। अब हम समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है, इट इज ए इवेंट दैट प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बाय क्रॉसिंग होमोलोगस क्रोमोसोम या एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम अकर इन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, और आपको सबको पता है कि मियोसिस अकर ओनली इन जर्म सेल्स। ओके, सोमैटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है वाइल जर्म सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोटिक डिवीजन में टू टाइम डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट इज लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज का मतलब यह है कि उसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसमें 5 स्टेजेस होती हैं, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज, फिर कैरियोकाइनेसिस जिससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, फिर उनका वापस से मियोसिस सेकेंड होता है जिसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, और गैमेट। फिलहाल देखिए मियोसिस में यहाँ पर जो लेट प्रोफेज है, अच्छा प्रोफेज में कई सारी स्टेजेस होती हैं, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइन, हर एक स्टेज में पर्टिकुलर इवेंट होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, सॉरी लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में पेरिंग होगी जिसको साइनेप्सिस कहेंगे, फिर पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर डिप्लोटीन में कियाज्मेटा फॉर्मेशन होगा, और डाइकाइनेसिस में जो न्यूक्लियोलर रीजन है यानी कि न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई ये दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, सो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकीटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है? तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है और इन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जीन है। इफ दिस जीन ए एंड बी आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर है, तो दे मे क्रॉस ईच अदर। तो एक चीज ये भी है कि जो गैम जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ टर्म्स भी पता होने चाहिए, ये जो क्रोमोसोम है ये इनका ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं क्रोमैटिन। यस सर, ठीक है। तो एक ये क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है इसके ये जो दोनों क्रोमेटिड्स होंगे इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे।
और ये जो दूसरा और पहला जब दोनों के अलग अलग क्रोमेटिड्स एक साथ होते हैं तो इनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स के क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। होता किसके बीच में है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम ये ड्यूरिंग साइनेप्सिस एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्योंकि होमोलोगस इसलिए है क्योंकि इनके पास सेम टाइप के जीन है, जो सेम टाइप का फिजिकल अपियरेंस है, तो इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। बट सेम टाइप फिजिकल अपियरेंस और सेम टाइप जीन का मतलब ये नहीं कि ये आइडेंटिकल है। देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन सम सीक्वेंसेस आल्सो। सो अब ये जो जीन है ए और बी, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जहां जिन जिन के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां से न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अगर ए और बी के बीच में यहां पर क्रॉसिंग हुआ तो ये ए इस ए के साथ जुड़ जाता है और ये स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जुड़ जाता है। इसका क्या है मैकेनिज्म, आपको सबने बीएससी में भी पढ़ी होगी और एमएससी में भी पढ़ी होगी कि सबसे पहले क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग के बाद ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज के बाद रीयूनियन होता है। ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसके बाद जब रीयूनियन होता है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और नए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन है इसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। और जो पेरेंटल टाइप के होते हैं ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। तो गैमेट चार तरीके के बन सकते हैं, एक जो क्रॉसिंग दो जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व नहीं है और बाकी दो जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है। तो जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है उनको रिकॉम्बिनेंट कहेंगे और जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर कई टाइप का हो सकता है। हो सकता है इससे पहले हमने सबसे पहले सिंगल क्रॉस ओवर पढ़ा, अब ये डबल क्रॉस ओवर भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, क्वाड्रुपल भी हो सकता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है ये बहुत रेयर होता है, मतलब ना के बराबर होता है, इसको मेंशन नहीं किया जाता है लेकिन हो भी सकता है। जैसे मैंने बताया कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जनरली क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और अगर हो भी जाता है तो दिखता नहीं, उसको देख नहीं सकते। देखने का मतलब ये कि आप कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे, अगर ए और बी के बीच में हो भी गया तो वो सेम फिर से मिलेगा, अगर इसके इसके बीच में हुआ तो फिर भी सेम मिलेगा, तो उसको हम एस्टिमेट या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्रॉसिंग ओवर सिंगल क्रॉस ओवर हो सकता है, डबल क्रॉस ओवर हो सकता है, मतलब दो क्रोमेटिड्स अलग अलग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ट्रिपल क्रॉस ओवर हो सकता है एक सिंगल क्रोमेटिड्स दो अलग अलग से इन्वॉल्व हो जाए, दूसरा अलग से इन्वॉल्व हो जाए, और फिर इसी तरीके से क्वाड्रुपल। अब जितने चांसेस हो सकते हैं, अब ये चांसेस बढ़ते या घटते हैं ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि अगर जीन ए और जीन बी के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो डबल क्रॉसओवर भी पॉसिबल है, ट्रिपल क्रॉसओवर भी पॉसिबल है और क्वाड्रुपल भी पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे इनकी बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी वैसे वैसे क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटीज जो है वो भी घटती जाएगी। तो क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, सॉरी यानी कि इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्रॉस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर घटेगा। तो क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और अगर ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से तो नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, जैसा कि कंप्लीट लिंकेज में दिखता है, लेकिन कंप्लीट लिंकेज रेयर इवेंट।
तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज रादर रेयर इवेंट. क्रॉसिंग ओवर भी जो है जनरली रेयर होता है. और फॉर एनी टू जीन्स द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सीड 50%. जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होती है. इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. और अगर मिलती है तो इट मींस कि दे आर फार अपार्ट. और जनरली ऐसा नहीं होता है कि वो एक दूसरे से दूर हो, या फिर दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. यानी कि जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम तब 50% से ज्यादा हो सकती है. जीन प्रेजेंट फार अपार्ट तब 50% हो सकती है. और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में भी 50% होती है. लेकिन जनरली रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन 50% होती है. ओके, तो रिकॉम्बिनेशन एक फिजिकल इवेंट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि दो पर्टिकुलर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और उसके बाद ब्रेक होते हैं, फिर यूनाइट होते हैं. फिर एट एनी वन पॉइंट अलोंग द क्रोमोसोम द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व ओनली टू ऑफ द फोर क्रोमेटिड्स इन मियोटिक टेट्राड. कि दो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, और क्रॉसिंग ओवर अकर इन लेट प्रोफेज फर्स्ट. अब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं. सिचुएशन क्या क्या हो सकती है. अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो हमें आफ्टर टेस्ट क्रॉस जो गैमेट मिलेंगे वो ये चार टाइप के गैमेट मिलेंगे. अगर हेट्रोजाइगस है जीन, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये F1 जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी स्मॉल बी, यानी कि टेस्ट क्रॉस होता है. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फोर टाइप्स के गैमेट मिलेंगे और ऑल फोर हैव इक्वल चांस. यानी कि 25% नॉन रिकॉम्बिनेंट, फिर ये 25% यानी कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, फिर 25% कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी एंड 25% स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल ए. तो ये चारों के पास इक्वल चांस है. यानी कि जो रेशियो आपको मिलेगा 1:1:1:1, फोर टाइप के गैमेट जो मिलेंगे दे हैव ऑल हैव इक्वल चांस. व्हाइल कंप्लीट लिंकेज, अगर लिंकेज कंप्लीट है तो आपको सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट मिलेंगे. यानी कि दो ही टाइप के नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिलेंगे. और अगर लिंकेज भी है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है तो हमें फोर टाइप्स के क्रॉस ऑप्शन.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ वो म्यूट हो गया था बार बार, वो कई लोग एडमिट करने पड़ रहे हैं ना बीच बीच में आ रहे हैं, तो उसमें वो बटन दब गया होगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन दो टाइप का हो सकता है, इंटर क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन एंड इंट्रा क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि प्रोडक्ट न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होना। तो न्यू कॉम्बिनेशन हमेशा दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो अगर जनरल सेंस बात करी जाए तो म्यूटेशन हो रहा हो, या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा हो, या फिर क्रॉसिंग हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीज की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर की। तो जनरल इवेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर है, जो कि जनरली होता है। म्यूटेशन तो तब होता है कि जब हम किसी अननोन म्यूटेजन से जो है एक्सपोज हो जाए। ओके, सो जनरल इवेंट ये कहता है कि जो न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो या तो इंटरक्रोमोसोमल हो सकते हैं या फिर इंट्राक्रोमोसोमल हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम में जो जीन है उनके कारण हो सकते हैं, और सेम क्रोमोसोम के में जो जीन है उनके बीच में हो सकता है। तो इंटरक्रोमोसोमल का मतलब कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और इसमें जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो इट इज ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज इंट्राक्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन। तो इंट्राक्रोमोसोमल मींस कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी कि जीन्स आर लिंक्ड जीन्स। तो इफ दे आर लिंक्ड, तो न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस बाय द क्रॉसिंग ओवर, और दोनों के बीच में डिफरेंस वही अभी सेम बताया था कि अगर इंट्राक्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन 50% होगी, और अगर इंटरक्रोमोसोमल है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 50% या मोर देन 50%। अब आते हैं जेनेटिक मैप। देखिए दो तरीके के मैप की एनालिसिस होती है, तो फिजिकल मैप और एक जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप का मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्रॉसओवर इवेंट अकर ड्यूरिंग मियोसिस, दिस इज नोन एज जेनेटिक मैप। कि कितने क्रॉसओवर इवेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे जो मैप हम बनाते हैं उसको जेनेटिक मैप कहते हैं। और अगर इसको फिजिकल मैप से कंपेयर करें तो फिजिकल मैप इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। तो बेस पेयर के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिजिकल मैप होता है क्रोमोसोम में, और क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग जो मैप बनाया जाता है उसको कहते हैं जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप को मीजर किया जाता है मैप यूनिट से, और वन मैप यूनिट इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। मैप यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीमॉर्गन, इसको स्मॉल सी और कैपिटल एम यानी कि सेंटीमॉर्गन, और 100 सेंटीमॉर्गन इक्वल टू 1 मॉर्गन। जेनेटिक मैप प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम एंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस
फ्रॉम वन जीन टू अनदर। तो हम जेनेटिक मैप से जीन के ऑर्डर को समझ सकते हैं क्रोमोसोम में, और दो एक जीन और के बीच में, मतलब दो जीन के बीच में क्या डिस्टेंस हो सकती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जेनेटिक मैप डिस्टेंस आर एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जो भी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, मान लीजिए ए और बी दो जीन है और जो रिकॉम्बिनेंट है वो 10 है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 सेंटीमॉर्गन। इसी तरीके से अगर बी और सी कोई जीन है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 20 सेंटीमॉर्गन। ओके, तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इट इज आर डिस्टेंस बिटवीन द पर्टिकुलर जीन्स। तो देखिए, जेनेटिक डिस्टेंस मेजर्ड विद रिकॉम्बिनेशन रेट आर अप्रोक्सिमेटली एडिटिव। दूसरा ये है कि जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो एडिटिव होता है, मतलब कि अगर ए और बी जीन के बीच की डिस्टेंस 5 मैप यूनिट है और डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी की 10 मैप यूनिट है, तो इसका मतलब ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 15 होगी, क्योंकि ए और बी की तो 5 हो गई और बी और सी की 10 हो गई। इस तरीके से देख लेते हैं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो है 5 मैप यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 10 मैप यूनिट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए और सी की क्या हो सकती है जब दोनों को जोड़ ले, यानी कि 15 मैप यूनिट। तो इसीलिए जो मैप यूनिट होती है या जीन मैप होता है, जेनेटिक मैप एडिटिव होता है, और इसको अगर हम फ्लिप कर दें, यानी कि सी को लेफ्ट रख ले और ए को राइट रख दें, तो भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जो मेन बिटवीन कौन आ रहा है, यानी कि इनके बीच में कौन है, सी और ए के बीच में, वो हमेशा बी ही रहेगा। ओके, इसको अभी हम डिटेल में जब क्वेश्चन से समझेंगे, अभी इतना क्लियर नहीं होगा। फिलहाल ये समझना है कि जो जेनेटिक मैप है ये एडिटिव होता है। ओके, अब हम जीन मैपिंग को समझते हैं कि कैसे जीन मैपिंग की जाती है। जीन मैपिंग पॉइंट क्रॉस, यानी कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो पर्टिकुलर करेक्टर की स्टडी करें, दो जीन की स्टडी करेंगे, तो उनसे जेनेटिक मैप कैसे एनालाइज करते हैं, तो ये समझते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं कैसे हम क्रोमोसोम को या जेनेटिक या लिंकेज ग्रुप को रखेंगे कैसे। तो देखिए, टू पॉइंट प्रोसेस फॉर 4 जीन ए बी सी एंड डी एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये ए बी सी डी ये 4 जीन दे रहे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस यहां पर दे रहे ए और बी के बीच 50% दे रखी है, बी ए और सी की रिकॉम्बिनेशन 50% दे रखी है, ए बी की 50% दे रखी है, 50% दे रखी है। तो इसका मतलब कि दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, बिकॉज
आवाज अपना माइक म्यूट कर म्यूट करवा दीजिए साचे शांत रहते देखिए ये समझते हैं एबी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50 एबी जो है वो अलग प्लीज आइडियो सब म्यूट कर दीजिए किससे आवाज आ रही है आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे नहीं सर आइडेंटिफाई तो नहीं हो पा रहा है पता नहीं कौन है सर सबको अपना ऑडियो म्यूट रखना चाहिए डिस्टरबेंस होता है ऐसे चलिए ए बी 50% ए एंड सी 50% ए एंड 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसका मतलब कि ए बी जो है वो एक अलग लिंकेज ग्रुप ए सी एक अलग ग्रुप लिंकेज ग्रुप है और ए डी एक अलग लिंकेज ग्रुप अलग क्योंकि द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है वो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेस होती तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर लिंकेज ग्रुप साथ में अटैच हो जाता है अब इसको समझेंगे कैसे ये देखिए The recombination frequency between A and B is 50%, which is the recombination frequency expected with independent assortment. Therefore, gene A and B may be either on different chromosome or be far apart on the same chromosome. So, हमने A को एक single first linkage group मान लिया. Okay. Second, the recombination frequency between A and C is 50%, indicating that they are in different linkage group. The recombination frequency between B and C is 20%. That links are separated by 20. देखिए हमें recombination frequency B और C की 20% मिल गई यानी कि B और C जो है वो एक linkage group को show करेगा. Okay. उसी तरीके से जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है बी एंड डी की वो है 10%. इसका मतलब कि जो बी और डी है वो ज्यादा क्लोज है और बी और सी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है यानी कि बी डी आर मोर क्लोज देन बी एंड सी. यहां भी कुत्ते भाव रहे तो क्या हो जाएंगे. खैर बी एंड डी आर मोर क्लोज देन बी एंड सी. बी और डी के बीच 10 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसी तरीके से बी एंड सी के बीच में 20 है. तो इसको हम एक्सपेक्ट करके एक लाइन में रख लेते हैं यानी कि बी और डी ये 10 मैप यूनिट हो गई और बी और सी ये 20 मैप यूनिट हो गए यानी कि ये तीनों एक साथ हो गए. ओके तभी तो इनकी मैप यूनिट हमें समझ में आ रही है. तो जब ये तीनों एक साथ है तो हम इनका एडिटिव यानी कि डी और सी का निकाल सकते हैं यानी कि 30 मैप यूनिट. और हम देखते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेड दे रखी थी डी और सी की वो कितनी दे रखी वो है 28. ओके और हमने जो एडिटिव निकाली वो है 30 मैप यूनिट. तो ये 30 मैप यूनिट और 28 अप्रॉक्सिमेटली लगभग सेम है मतलब क्लोज है और क्लोज ही हम निकाल सकते हैं यानी अप्रॉक्सिमेट ही निकाल सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि इनके बीच में डबल या ट्रिपल क्रॉसओवर हुआ हो और डबल और ट्रिपल क्रॉसओवर जब होता है तो उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं मतलब उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जो है हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं.
यानी कि वहां पर फिर इंटरफेरेंस शो होता है। तो इसलिए हम इस तरीके से मैप यूनिट इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये इस तरीके से हो। अगर हम इसको बी और इसको कुछ अलग तरीके से भी कर सकते थे, जैसे मान लो कि हम इस सी को इधर कर देते, ऐसे इसको ये जो सी है वो यहां कर देते, ओके, तो ये 20 हो जाता। तो सी और बी की डिस्टेंस फिर हमें देखनी पड़ती, तो सी और बी के बीच की डिस्टेंस यानी कि वो 20 है, तो सी और डी की डिस्टेंस कितनी होगी यानी कि वो फिर 10 होनी चाहिए, और सी और डी की डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है, वो 28 दे रखी है। इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी सी और डी की, यानी कि सी लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, क्योंकि तो अगर हम इसको इधर रख दें तो ये सिर्फ 20 सेंटीमॉर्गन आएगा, ओके तो इसलिए हम इसको मतलब फ्रीक्वेंसी को देख के हम मैप यूनिट यानी कि एक क्रोमोसोमल मैप तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार करने के लिए हमें सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम इसको इधर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, तो इनके बीच की क्या डिस्टेंस रहेगी, और अगर राइट साइड रखेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस में क्या डिफरेंसेस आते, तो कौन जितना कितना अप्रोक्सीमेट है, कौन कितना क्लोज है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मैप यूनिट निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका जो है मैपिंग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि जो 2 पॉइंट क्रॉस ओवर है वो निकालते कैसे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि लॉन्ग विंग और ग्रे बॉडी कलर वाले ड्रोसोफिला को जब क्रॉस कराया गया वेस्टिजियल विंग और ब्लैक बॉडी से, तो F1 जनरेशन में लॉन्ग विंग और ग्रे बॉडी मिले, फिर इनको टेस्ट क्रॉस कराया गया। टेस्ट क्रॉस का मतलब कि वापस से इनको रेसेसिव होमोजाइगोट से क्रॉस करा दिया गया, वेस्टिजियल विंग और ब्लैक बॉडी। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमें 415 यानी कि 415 लॉन्ग विंग ग्रे बॉडी, 405 वेस्टिजियल विंग ब्लैक बॉडी, वेस्टिजियल विंग ग्रे बॉडी 92, लॉन्ग विंग ब्लैक बॉडी 88। तो जो पेरेंटल टाइप थे हमारे यानी कि लॉन्ग विंग ग्रे बॉडी, वेस्टिजियल विंग ब्लैक बॉडी, दे आर 820। जो न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुए यानी कि रिकॉम्बिनेंट, दे आर 180। तो इसका मतलब कि अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो 18 सेंटीमॉर्गन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ओके तो वो आई 18 सेंटीमॉर्गन। तो 18 सेंटीमॉर्गन का मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन वेस्टिजियल डिस्टेंस बिटवीन लॉन्ग विंग और ग्रे बॉडी, ये दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या होगी, 18 सेंटीमॉर्गन। तो इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पॉइंट क्रॉस से मैप यूनिट को, ओके कैसे कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि उनके कितने नंबर हैं, तो उससे हम 2 पॉइंट क्रॉस मैप यूनिट यानी कि दो जीन के बीच की डिस्टेंस इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो 2 पॉइंट हो गया, अब 3 पॉइंट क्रॉस, रिकॉम्बिनेंट मैपिंग विद 3 पॉइंट क्रॉस। तो 3 पॉइंट क्रॉस का एग्जांपल देख लेते हैं कि ड्रोसोफिला ही है, उसमें नॉर्मल यानी वाइल्ड टाइप है और ये म्यूटेटेड टाइप है। तो म्यूटेटेड टाइप यानी कि स्क्यूड ब्रिसल, इकाइनस आईज, क्रॉस वेनलेस विंग, इनको क्रॉस कराया गया वाइल्ड टाइप से। तो वाइल्ड टाइप से जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस मिल गए, ओके और जब इन हेट्रोजाइगस को टेस्ट क्रॉस कराया गया
तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं एफ टू जनरेशन में, उनके ये नंबर दे रखे हैं, यानी कि स्पाइनस क्रॉस वेनलेस, इट इज 1158 1158, वाइल्ड टाइप 1455, स्क्यूट 163, इकाइनस क्रॉस वेनलेस 130, स्क्यूट इकाइनस 192, क्रॉस वेनलेस 148, स्क्यूट क्रॉस वेनलेस 1 एंड इकाइनस 1. ओके, तो टोटल 3248 नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मिले और उनके 8 टाइप के हमें ऑफस्प्रिंग मिले. ओके, नेक्स्ट आते हैं कि अब हमें जब 3 पॉइंट क्रॉस होता है और 3 जीन होते हैं, तो 3 जीन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि आखिर ये जो 3 जीन है इनका ऑर्डर क्या है. 2 पॉइंट क्रॉस है यानी 2 जीन है, तो हमें ये पता है कि एक लेफ्ट राइट होगा, या अगर उसको राइट लेफ्ट भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहां पर जीन है, हो सकता है कि सी मिडिल में हो सकता है ईसी मिडिल में हो सकता है एससी मिडिल में. ओके, तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं जीन ऑर्डर को. तो जीन ऑर्डर 3 तरीके के हो सकते हैं, स्क्यूट इकाइनस क्रॉस वेनलेस, मतलब 3 कंडीशन हो सकती है कि इकाइनस मिडिल में हो, स्क्यूट मिडिल में हो और क्रॉस वेनलेस मिडिल में. तो कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन मिडिल में होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि सिंगल क्रॉस ओवर किस में हुआ और डबल क्रॉस ओवर किस में हुआ. तो फ्रीक्वेंसी देखिए, रिकॉम्बिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा हो, या फिर डबल क्रॉस ओवर हो रहा हो, या फिर ट्रिपल या सो ऑन, जो भी हो, लेकिन क्रॉस ओवर होगा तभी रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होंगे. ओके, तो क्रॉस ओवर या तो सिंगल या फिर डबल, और सिंगल होगा तो उनके नंबर ज्यादा होंगे कंपेयर टू डबल, क्योंकि डबल की पॉसिबिलिटीज कम होती है कंपेयर टू सिंगल. सिंगल क्रॉस ओवर तो आसानी से हो सकता है अगर डिस्टेंस जो है ज्यादा है, लेकिन डबल क्रॉस ओवर तभी हो सकता है जब और ज्यादा. ओके, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डबल क्रॉसओवर कहां हो रहा है और सिंगल क्रॉसओवर कहां हो रहा है. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से हम पीछे चलते हैं. अब हम देखते हैं नंबर्स, कि हमें नंबर्स ये दिख रहे हैं, तो ये दिख रहे हैं, तो इससे हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि ये दोनों तो पी टाइप है, यानी कि ये पेरेंटल टाइप है, क्योंकि ये मैक्सिमम है. बाकी ये जो 4 है, ये समझ में आ रहा है कि ये है तो रिकॉम्बिनेंट, लेकिन ये सिंगल क्रॉसओवर है. और ये जो 2 बचे जो कि मिनिमम है, इसका मतलब कि ये डबल क्रॉसओवर होंगे. अब हम डबल क्रॉसओवर का जो फिनोटाइप है उसको ध्यान से देखते हैं. इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्यूट और क्रॉस वेनलेस, ये दोनों आपको एक तरीके से जूही एक जूही, मतलब अगर आप स्क्यूट में देखें तो स्क्यूट और क्रॉस वेनलेस की पेयरिंग सेम है, यानी कि अगर म्यूटेटेड टाइप इसके पास स्क्यूट वाला है तो म्यूटेटेड टाइप इसके पास भी क्रॉस वेनलेस है, इसके पास भी अगर वाइल्ड टाइप है तो इसके पास भी वाइल्ड टाइप है. डिफरेंस कहाँ, डिफरेंस आ रहा है काइनस. तो जिसमें डिफरेंस आपको दिखे, जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, पैटर्न क्या है, पैटर्न आपका ये वाइल्ड टाइप आपको पता चल गए कि ये है ना, तो जब ये वाइल्ड टाइप है तो इसका मतलब एक इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से होगा. तो जब एक इस तरीके से इस और दूसरा इस तरीके से है,
तो फ्लिप कौन कर रहा है? फ्लिप कर रहा है इकाइनस अपनी पोजीशन पे, क्योंकि वो जो म्यूटेटेड टाइप है उसके साथ वाइल्ड टाइप आ रहा है, या फिर वाइल्ड टाइप के साथ म्यूटेटेड टाइप। तो जो फ्लिप करे अपने पैटर्न को वही मिडिल में होगा। सर एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले कि पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि पेरेंटल टाइप क्या है, सिंगल क्रॉसओवर क्या है यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या है, फिर डबल क्रॉसओवर क्या है। जो डबल क्रॉसओवर होंगे वो मिनिमम होंगी, ओके, और जो सिंगल क्रॉसओवर होंगे दे आर मोर देन डबल क्रॉसओवर, और जो पेरेंटल टाइप होंगे वो मैक्सिमम होंगे। अब हमें पता चल गया कि पेरेंटल टाइप ये है, ठीक है। तो पैटर्न क्या होना चाहिए कि एस सी, ई सी और सी वी जब भी जाए तो एक साथ जाए, ओके। उसी तरीके से एस सी, ई सी और सी वी ये जाए तो एक साथ जाए। लेकिन आप देखिए डबल क्रॉसओवर कहां पर हो रहा है, डबल क्रॉसओवर इसमें हो रहा है, इसमें देखिए एस सी और सी वी ये एक साथ जा रहे हैं, इधर ये एस सी और ये सी वी ये एक साथ जा रहे हैं। तो फ्लिप कौन कर रहा है, फ्लिप कर रहा है ये ईसी। तो जो फ्लिप करे अपनी पोजीशन से इसका मतलब वही मिडिल में होगा। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये देखिए ये डबल है, ये आपको ये डबल क्रॉसओवर दिख रहा है, ठीक है। पैरेंटल टाइप आपका एस सी, ई सी और सी वी, इधर एस सी, ई सी और सी वी है। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तब ये फ्लिप हो गया, ओके। तो हम पैरेंटल टाइप को रख के जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन फ्लिप हो रहा है। लेकिन फ्लिप आप कैसे समझोगे, तब समझोगे जब आप डबल क्रॉसओवर पहले से आइडेंटिफाई करके रखोगे कि आप देख रहे हो डबल क्रॉसओवर में मिनिमम वन वन वाले ये दो हैं, तो इसमें फ्लिप कौन कर रहा है, तो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि मिडिल में कौन होना चाहिए, ओके। तो जब इसके आप एक दो क्वेश्चन लगा लोगे तब आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि आखिर ऑर्डर डिटरमाइन कैसे करते। अच्छा, अब हमें पता चल गया मिडिल में ईसी है, तो फिर हम आगे का काम करते हैं। अब हमें जीन लोकेशन पता चल गई, जीन लोकेशन एस सी, ई सी और सी वी है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सी वी, एस सी और ई सी, सॉरी सी वी, ई सी और एस सी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि मिडिल में कौन है, मिडिल को हम इधर उधर नहीं छेड़ सकते, सिर्फ बाकी लेफ्ट राइट इधर उधर कर सकते। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन एस सी एंड ई सी। हमें ये पता चल गया कि मिडिल में कौन है, हमने अपना एक क्रोमोसोम बना लिया होमोलोगस, ओके। और उसके बाद हम क्रॉसओवर कराना शुरू करते हैं। जब हम क्रॉसओवर कराएंगे तो जब हम इसका क्रॉसओवर कराएंगे एस सी और ई सी का, तो हमें एक ये मिलेगा सिंगल क्रॉसओवर से, और एक रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, यानी कि क्लास थ्री मिल गया और क्लास फोर मिल गया रिकॉम्बिनेंट। उसी तरीके से डबल क्रॉसओवर से हमें मिला क्लास सेवन और क्लास एट। मतलब ये है टू कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन एस सी एंड ई सी, हमें क्रॉसिंग ओवर कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं एस सी और ई सी के बीच, कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं उनको रखना। ऐसे हम ये समझते आए हैं कि अगर ए और बी की डिस्टेंस हमें निकालनी है
तो हमें और ए और बी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ओके, उसी तरीके से अगर एस सी और ई सी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि और एस सी और ई सी जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो कौन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमें चार तरीके की क्लास मिलेगी, क्लास फाइव, क्लास सिक्स, क्लास सेवन और क्लास एट। ये दो मिलेंगे तो मिलेंगे सिंगल क्रॉसओवर, और बाकी क्लास मिलेंगे डबल क्रॉसओवर से। जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्लीज माइक बंद कर दिए जिनके पीछे क्राउड आ रहा है। पता नहीं तुम लोग माइक क्यों नहीं बंद करते हो। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अब आपको रिकॉम्बिनेट निकालना कैसे है, एस सी और ईसी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एस सी और ईसी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए एक रिकॉम्बिनेट इवेंट ये हो सकता है और एक रिकॉम्बिनेट इवेंट ये हो सकता है। तो जितने रिकॉम्बिनेट इवेंट हुए उससे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई सबको टोटल कर लिया। ओके, तो जो टोटल आया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसको क्या किया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि 3000 जो भी है, 3000 to 48, तो जो आएगा हमारा 9.1 सेंटीमॉर्गन, ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन एस सी और ईसी के बीच की। उसी तरीके से अब हम निकालेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ईसी एंड सीवी की। तो ईसी और सीवी के बीच में क्रॉसिंग ओवर देख लेंगे कि फर्स्ट क्रॉसओवर जब कराते हैं तो फिर कौन सा हमें मिलता है, फिर सेकंड क्रॉसओवर यानी डबल क्रॉसओवर होता है तो कौन कौन मिलते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये समझते हैं, ये हमारे पास क्लासेस थी, हमारे पास एट टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे। ओके, एफ टू जनरेशन में। अब हमें ये समझना है कि ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग और ये ऑफस्प्रिंग, ये किस सिंगल क्रॉसओवर या किनके किनके बीच के क्रॉसओवर से प्रोड्यूस हुए होंगे। ओके, तो अगर हम एस सी और ईसी के बीच क्रॉस कराते हैं, यानी कि इसको और इसके बीच में, तो हमें मिल रहा है 163 वाला, यानी कि ये मिल गया थर्ड नंबर, ये थर्ड ग्रुप हो गया, थर्ड क्लास। उसी तरीके से जब हम एस सी और ईसी को वापस से सिंगल क्रॉसओवर देख लेते हैं तो हमें एक दूसरा ग्रुप, फोर्थ ग्रुप यानी कि 130 वाला मिल जाता है, यानी कि ये इकाइनस एंड क्रॉस वेनलेस 130। तो जो भी एससी और ईसी के बीच के जो क्रॉसओवर इवेंट हैं वो उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसी तरीके से ईसी और सीवी के बीच के जो क्रॉसओवर इवेंट हैं वो इनकी क्रॉस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यानी कि जब ये 295 और ये 342 को जब डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से तो हमें 9.1 सेंटीमॉर्गन ईसी और एससी, सॉरी एससी और ईसी के बीच में मिल जाएगा, और 10.5 ये हमें ईसी और सीवी के बीच में मिल जाएगा। तो फिर हम देखिए, फिर हम क्या, हम अपना कॉम्बिनेशन रख देंगे, यानी कि एस सी और ईसी के बीच 9.1 रख देंगे और ईसी और सीवी के बीच में 10.5 रख देंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हम थ्री पॉइंट क्रॉस कराते हैं तो थ्री पॉइंट क्रॉस में
दो जीन के बीच की डिस्टेंस जब निकालेंगे तो सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर दोनों लेते हैं। सिंगल क्रॉसओवर जिसका निकाल रहे हैं यानी कि एससी और ईसी के बीच में उसका रखेंगे और डबल क्रॉसओवर दोनों का रखेंगे। तो ये तो निकाल ली हमने डिस्टेंस बिटवीन एससी ईसी और ईसी और सीवी। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं कि 9.1 डिस्टेंस 10.5 डिस्टेंस ये है, तो एससी और सीवी के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। जैसे हमने बताया था कि जेनेटिक मैप जो है वो एडिटिव होता है, तो दोनों को प्लस करने पे आ गया 19.6 सेंटीमीटर। और इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको नॉन क्रॉसओवर क्लासेस यानी वन और टू को और प्लस सिंगल क्रॉसओवर जितने हैं उसको और प्लस जो हमारे पास डबल क्रॉसओवर है, जब उनको सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 19.6 सेंटीमॉर्गन आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से हम मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन एंड मैप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। इसको कोई कंफ्यूजन अभी सर यहाँ पर रेडमी नाम से कोई है वहाँ उसके यहाँ से आवाज आ रही है लगातार आ रही है सर। ठीक है कोई बात नहीं, रेडमी नाम से आईडी है सर। कोई नहीं छोड़ो, आवाज आ रही है। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखिएगा अपना अभी ऑन करिएगा जब आपको रिप्लाई देना हो, ठीक है? नहीं रिप्लाई देना है तो उसको म्यूट ही रखिए। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप डबल क्रॉसओवर और सिंगल क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या ये जो इवेंट हो रहे हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण है कि ये लिंकेज के कारण है। तो वो तब हम आइडेंटिफाई करेंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से लेस हो तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम यानी कि लिंकेज शो करेगा, और जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आर इक्वल टू 50% या मोर देन 50% इसका मतलब कि जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो शो कर सकते हैं। और जब हमें पता चल जाए कि ये लिंकेज है तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है उसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद टोटल से डिवाइड करके जो भी आएगा वो हमारा मैप यूनिट हो जाएगा। ओके तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप आज क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको दिए हो वो आप प्रैक्टिस करिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। फिर कल हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? अब वो क्वेश्चन अगर आज लगाने लगेंगे तो आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अभी फ्रेश आप पढ़े हो ये चीज, तो वो इतना इजी नहीं जाएगा। तो आज इस चीज को एक बार आप अपने से भी पढ़िए, ठीक है? उसको पढ़ लीजिए, फिर कल हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.